भारत माता की जय। या दैट्स लाइक इट। सभी मंच पे बैठे हुए महानुभावों को, सभी मिनिस्टर्स, एजुकेशनिस्ट, ब्यूरोक्रैट्स, मेरे भाई प्रमोद बोरो जी, यूनिस साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स सर, आई हैव अ लॉट ऑफ फैंस माई सेल्फ, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क, आई लव व्हाट यू डन विद ग्रामीण बैंक एंड काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट दैट यू लेड, इट्स एन इनक्रेडिबल केस स्टडी, एंड इन माई फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स वी लुक अप टू पीपल लाइक यू। A big hello to Sonam, who himself is got a huge fan following. We love the ideas that you come in with and follow a lot of the concepts that you bring out. I think the focus on growth with harmony is a very interesting one, Sonam, and I'd love to know more from you. And namaskar to everybody else, speaker sahab. Abhi to aap mere liye script writing bhi shuru kar rahe hain, scene bhi bana rahe hain. Mantri ji, thank you so much. And to all the beautiful people, मेरे जितने समक्ष बैठे हैं ऑडियंस में, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बोडोलैंड के लोगों को मेरी तरफ से खुलुम भाई। तो मैं पहली बार बोडोलैंड आया हूँ, मुझे प्रमोद भाई कई महीनों से, पिछले साल से कह रहे हैं आपको आना है, आना है, आना है। मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो ट्रिप बन ही नहीं पा रहा था, तो इस बार पहली बार आया हूँ मैं। और सुबह सुबह गुवाहाटी से निकला बाय रोड, बोडोलैंड यहाँ पहुँचा कोकराझार। एंड जैसे हमारे वो फिल्मों में होता है ना, जब हीरो हीरोइन को पहली बार देखता है तो बैकग्राउंड स्कोर चलने लगता है, रोमांस आ जाना लगता है, पूरा लव एट फर्स्ट साइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बोडोलैंड से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आंग बोडोलैंड मिजांग मन, इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, हरियाली, इतने प्यारे लोग, इतने स्वीटली मिलते हैं, आपकी देखरेख करते हैं। एक ही दिन में आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है। आपका म्यूजिक, आपका कल्चर इतना सुंदर है, और इतनी सुंदर सुंदर आपकी लड़कियां इतनी वो ट्रेडिशनल ड्रेस में, हाँ जैसे ये खड़ी हैं सुंदर सुंदर लड़कियाँ, क्या आरोना है और क्या दोखोनो, दोखना 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 और आरोना है। ये देख के बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। स्पीकर साहब बोल रहे थे अभी बैठे बैठे मेरे पास में, उन्होंने गाना दिखाते मुझे, सीन भी उन्होंने फटाफट से लिख दिया, और सीन भी कैसा कि मेरी पिक्चर में मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस है कोई है, तो मुझे भगोड़ा भी बना दिया स्पीकर साहब ने, और भाग भाग के यहाँ आ गया मैं बोडोलैंड में छुपने के लिए, और उसके बीच में गाना चल रहा है, और ये सब उनको दिखाना है फिल्म में। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये सुंदर सुंदर बोडो लड़कियों को स्क्रीन पे दिखा दिया, ये इतनी सुंदर है कि फिर हीरोइन को कौन देखेगा। तो थैंक यू प्रमोद दा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, गुजुंटन करेक्ट है। प्रमोद का मतलब संस्कृत में जॉय है, हैप्पीनेस, जो खुशी फैलाने वाला। मैं वाकई आपकी पर्सनल जर्नी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ पे एक फिल्म बननी चाहिए। मैं शायद एक्ट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं आपके जितना हैंडसम नहीं हूँ। प्रमोद जो है, गणेश जी का भी नाम है जो विघ्न हटाते हैं। आज हम नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान जिसको हम सरस्वती मानते हैं, जहाँ हिंसा है, जहाँ दुर्दशा है लोगों की, जहाँ दुख है, वहाँ पे कभी भी सरस्वती नहीं जाएगी। लक्ष्मी पहुँच जाएगी, ठीक है, पैसा आ जाएगा, वायलेंस के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल मेक मनी, बट ज्ञान जो है, ज्ञान के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पढ़ने से पहले बोलते हैं मेडिटेट करो, फोकस करो, मन शांत करो। तो वो जो शांति है वो लाना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू ग्रो, फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड गणेश जी को तो कहते हैं विघ्न हटाने वाले, जो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो प्रमोद भाई, आप एक रूप से अपने नाम को पूरा कर रहे हो यहाँ पे, जिस तरह से आपने बोडोलैंड से सारे विघ्न हटा दिए हैं, सारे प्रॉब्लम्स हटा दिए हैं, अब यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहेगी। अब यहाँ पे आपने जिस तरह से अपने UPPL की फैमिली के साथ में मिलके
नॉन वायलेंट पाथ रखा है, एक्सट्रीम वायलेंस के बीच में नॉन वायलेंट पाथ रखा है, दैट आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय, इट्स ट्रूली कमेंडेबल। मुझे लगता है पूरे भारत को आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि 20 साल ऑलमोस्ट आपने एक अपने प्यारे बॉर्डरलैंड के लिए जीवन के बिता दिए आपने, और वापस अपने इस बच्चे को, हमारे बॉर्डरलैंड के बच्चों को भारत माता की आपने लपेट में, भारत माता की एम्ब्रेस में आपने वापस ला दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कोई भी काम 20 साल करने के लिए, एक मिशन रखने के लिए बहुत मुश्किल है। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, आई बीन एन एक्टर फॉर 20 ईयर्स। जब मैं प्रमोद दादा के बारे में सोच रहा था, बॉर्डरलैंड के हालातों के बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जब मैं स्क्रीन पर सुंदर सुंदर हीरोइंस को रोमांस कर रहा था, लोगों को स्क्रीन पर प्यार करना सिखा रहा था, साथिया में या यू नो क्यों हो गया ना में, अलग अलग फिल्मों में, तब आप प्रमोद दा बोडोलैंड में लोगों को प्यार से रहना सिखा रहे थे। जब मैं स्टूडेंट के रोल में शूटिंग कर रहा था, तब आप बोडो स्टूडेंट्स को शूट करने और शूट होने से बचा रहे थे। जब मैं नकली गोलियों से स्क्रीन पर एक्शन कर रहा था, तब आप असली गोलियों के एक्शन के बीच में शांति के लिए, बोडो के लोगों के लिए यहां पे लड़ रहे थे। तो हैट्स ऑफ टू गांधी जी, सिर्फ भारत के करेंसी नोट पर नहीं है, बल्कि अभी भी आप जैसे कुछ अहिंसावादी लोगों के दिल में, जहन में अभी भी हैं। और ये वायलेंस हटाकर जिस तरह से मैंने जब वीडियोस देखे, जब मैंने लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखे, आई वाज इमोशनल, क्योंकि आपने जो माँ है उनको बेटे से मिला दिया, बहन को भाई से मिला दिया, जो झगड़ा था वो झगड़े को हटाकर इतनी पीस प्रॉस्पेरिटी। आज मैं आपको बोलूँ, मैं बॉर्डरलैंड आया हूँ, द रोड्स वर सो फैंटास्टिक, मुझे लगा कि बॉर्डरलैंड है भाई, इतना सुना है टेररिज्म के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, इतने मक्खन रोड थे, इतने अच्छे रोड थे कि मुझे कहीं ना कहीं मुंबई वासी होने का थोड़ा सा ईर्ष्या लग रही थी। आई वाज फीलिंग जेलस कि यार हमारे यहाँ भी इतने अच्छे रोड नहीं है जितने आपके यहाँ हो गए हैं बॉर्डरलैंड में। सो फैंटास्टिक that you are growing so well, and Yunus ji ne bhi bahut sundar baat kahi, kyunki hum knowledge ki baat kar rahe hain, Bodoland International Knowledge Festival mere hisab se ek historic success hai ki duniya bhar se log yahan aaye hain, knowledge ke stakeholders aaye hain, growth hogi, prosperity aayegi, yahan ki youth jo hai wo bahut grow karegi। So Yunus saab was speaking of knowledge destroying the planet for commerce, and I was listening to him very carefully, because when a man like him speaks, you listen, you learn, and hamari sanskriti mein, in our culture, knowledge has importance, gyan bahut important hai, lekin knowledge without wisdom is considered a weapon of mass destruction। You can have the knowledge, Oppenheimer had the knowledge to create an atomic bomb, but he killed, millions of people died, the world suffered because of that knowledge। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ बुद्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान प्योर रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। यू कैन यूज द ज्ञान फॉर रॉन्ग रीजंस और राइट रीजंस, यू कुड यूज यू नो फिशन एंड फ्यूजन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट चीप पावर फॉर द वर्ल्ड, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो आई थिंक ज्ञान के साथ में बुद्धि बहुत जरूरी है। हम नॉलेज फेस्टिवल रख रहे हैं, बट देर शुड बी some degree of focus on how to use that knowledge correctly। अभी सावजी भाई ने खजाने की बात कही, मैं सावजी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके बारे में जब मैंने पढ़ा कि 4000 एम्प्लॉयज़ को आपने गाड़ियाँ, घर, लोन्स हेल्प करनी है, उनकी शादी के लिए जो सॉफ्ट आपने सपोर्ट किया, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। CSR की लोग बात करते हैं 2%, 5%, यू हैव चेंज द होल डायनेमिक ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Amazing man, I don't know if many of you know this, but not in India but world mein shayad number 3 inki diamond export company hai, world mein number 3, number 2 bhi inke cousin hi hai, matlab ek hi parivar mein sab kuch। But mujhe aisa lagta hai ki aap diamond king ho, lekin real khazana of Bodoland wo yahan ka culture hai, yahan ki natural beauty hai, most of all रियल खजाना ऑफ बॉर्डरलैंड यहां का यूथ है।
ये यूथ जो टैलेंटेड है, हंग्री है, आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, बस ये नॉलेज से इस यूथ को हमको दिशा देनी है, स्ट्रेंथन करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, जैसे सोनम भाई करते हैं लद्दाख में, ऐसे यहाँ पे मेंटोरशिप क्रिएट करना है, ऐसे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करनी है। यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, अब यूथ को दिखाना है कि बोडोलैंड का यूथ दुनिया में अपना नाम कैसे आगे बढ़ाएगा। एंड ये है यहाँ के बोडोलैंड के रियल डायमंड्स, ये है यहाँ का रियल खजाना, मुझे ऐसे लगता है। दुनिया भी स्टार्टअप की है, स्टार्टअप में मैंने बहुत काम किया है, आई हैव बिल्ट एंड क्रिएटेड 4 स्टार्टअप्स, ऑल ऑफ देम हैव सम डिग्री ऑफ सोशल इम्पैक्ट, दे आर ऑल फॉर प्रॉफिट, लेकिन उसमें सोशल इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर चलाता हूँ, इंडिया का पहला स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी मैंने एस्टैब्लिश किया गुजरात में 5 साल पहले, स्वर्णिम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत काम चलता है उसमें। बट रियल थिंग जो मैंने रियलाइज किया है यहाँ की यूथ के लिए कि स्टार्टअप्स जो हैं इज अबाउट फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग अ सोल्यूशन। किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो लोग उसके लिए वैल्यू देने के लिए तैयार है, करेंसी देने के लिए तैयार है, वेल्थ देने के लिए तैयार है। इसे साउजी भाई हैं, वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस है डायमंड में, लेकिन स्टार्टअप्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम्स की वजह से पीपल आर विलिंग टू मेक यूनिकॉर्न्स। आपको एक कंपनी खड़ी करने में, हरे कृष्णा खड़ी करने में शायद 10, 20, 25, 30 साल लग गए, बट स्टार्टअप्स जो हैं वो आज की तारीख में मल्टी बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं इंडिया के। सो दिस इज द टाइम टू रियलाइज कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कमिटमेंट है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, नेक्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया कुड बी फ्रॉम बोडोलैंड। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज व्हाट इज पॉसिबल टुडे। एक छोटा सा चुटकुला बताऊंगा मैं आपको, एक जोक शेयर करता हूँ। एक दिन हमारे साउजी भाई ट्रेन में बैठे थे राजधानी में, और बाजू में उनके बैठा था ब्रूसली, तो साउजी भाई देख रहे हैं ब्रूसली को, ब्रूसली देख रहा है साउजी भाई को। अब ब्रूसली ने देखा एक मच्छर ट्रेन के अंदर उड़ के आ रहा है कंपार्टमेंट में, बिज करके मच्छर ऐसा घूम रहा है। अब साउजी भाई ने देखा कि ब्रूसली ने छपक करके लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से मच्छर को हाथ में पकड़ लिया ऐसे, एंड साउजी भाई इज नाउ स्टेयरिंग कि भाई ब्रूसली कर क्या रहा है। ब्रूसली ने मच्छर को देखा और ऐसे अप मुंह में डाला और चबाने लग गया। साउजी भाई मेरी तरफ प्योर वेजिटेरियन आदमी, वो देख के शॉक में कि क्या हो रहा है यार, ये मच्छर चबा रहा है मेरे सामने। फिर दूसरा मच्छर आया, बिज करके ब्रूसली फिर से पकड़ा मच्छर को, वापस मुंह में डाला, वो भी चबाने लग गया। अभी साउजी भाई ने किया स्टार्टअप वाला सिस्टम सॉल्यूशन, दिमाग लगाया गुजराती बिजनेसमैन का। जैसे ही तीसरा मच्छर देखा, ब्रूसली मूव करे उससे पहले साउजी भाई लपक के पकड़ लिया मच्छर को। अब ब्रूसली देख रहा है ये शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन आदमी मच्छर पकड़ के करेगा क्या। साउजी भाई ब्रूसली के सामने मच्छर रखते और बोलते कितने में खरीदेगा। तो ये अपना स्टार्टअप का माइंडसेट होना चाहिए, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके हम लाइफ में ना बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। एक और जोक शेयर करता हूं आपके लिए, मतलब सीखने के लिए, फॉर नथिंग एल्स, हाउ टू थिंक डिफरेंटली, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक दोस्त था मेरा कॉलेज के दिनों में, उसको एक फियर था, डर था कि रात को जब मैं सोता हूं तो मेरे बिस्तर के नीचे कोई राक्षस छुपा है, वो मुझे बाहर निकल के खा जाएगा। अब रात को उसको नींद नहीं आए, तबीयत खराब हो रही है बेचारे की, तो गया वो साइकाइट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला ठीक है तुमको मैं क्योर करूंगा, लेकिन देखो 90 डेज लगेंगे क्योर करने में और 50,000 रुपीज का खर्चा आएगा। वो भी टेंशन में कि 50,000 रुपीज का खर्चा, बट पीस ऑफ माइंड चाहिए, सो नहीं पा रहा है बेचारा। तो बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब मैं आता हूँ, कल से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब एक दिन गया नहीं आया, दो दिन गया नहीं आया, हफ्ता गया, चार हफ्ता गया, आया ही नहीं। डॉक्टर भी सोच रहा है अच्छा माल बनाने वाला था मैं, 50,000 रुपए मेरा लॉस हो गया, ये क्या चक्कर है। तो एक दिन डॉक्टर उसको मिला रास्ते में चलते चलते, बोला अरे भाई तू आने वाला था, तेरा वो प्रॉब्लम था बिस्तर के नीचे से भूत आएगा पकड़ेगा, तू डरता था रात को सोता नहीं था, 50,000 में अपनी डील हुई थी, क्यों नहीं आया। तो उसने बोला सर वो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोला कैसे सॉल्व हो गया भाई। भाई मेरा एक दोस्त है विवेक, उसने मेरा प्रॉब्लम ना 2,000 रुपए में सॉल्व कर दिया। बोला 2,000 रुपए में सॉल्व कैसे कर दिया तेरा प्रॉब्लम, को डॉक्टर है क्या वो। तो नहीं साहब
उसने क्या किया, मेरे से 2000 रुपए लिया, 1000 रुपए कारपेंटर को दिया, मेरे घर आके पलंग के बिस्तर के सारे लेग्स को काट दिया, लेग्स को काट के जमीन पे रख दिया, बोला ले अभी इसके नीचे कोई आ ही नहीं सकता है, सो जा मस्त होके। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली, क्रिएटिंग सॉल्यूशंस लाइक दैट। हम नॉलेज और विजडम की बात करते हैं, ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बट बुद्धि भी होनी चाहिए उसे सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, मेनी ऑफ यू आर मैरिड पीपल, तो जब ज्ञान और बुद्धि की बात आती है तो मैरिड लोगों की ज्ञान और बुद्धि अनुभव की वजह से बहुत आगे रहती है। अब एक आदमी गया अपनी वाइफ को मॉल लेने, शॉपिंग गया, तो वाइफ शॉपिंग करते 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 भूल गई मेरा हस्बैंड भी है, क्योंकि इतना सामान था, शॉपिंग देखते देखते बीच बीच में आती थी, बैग पकड़ाती थी, फिर शॉपिंग करने निकल जाती थी। अब हस्बैंड का टाइम आ गया, उसको निकलना है भाई वापस, वाइफ को मिल नहीं रही है। तो एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी पास में, हस्बैंड गया वो सुंदर कन्या के पास में, बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक लगा के, बाल वाल बना के, छोटा सा ड्रेस पहन के खड़ी थी। तो उसके पास गया हस्बैंड और बोला मैडम आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी बीवी को ढूंढना है मुझे। बोलते हाँ हाँ जरूर हेल्प कर दूंगी, आप बताइए क्या करना है। मैं कुछ नहीं, यहीं खड़े रह के थोड़ा मुस्कुरा के थोड़ा हंस के प्यार से मेरे साथ बात कर लीजिए। बोली ऐसे कैसे? बोला आप देखना 10 सेकंड में बीवी अपने आप यहां पहुंच जाएगी मुझे ढूंढते ढूंढते। तो दिस इज नॉलेज एंड विजडम है ना, इसमें विजडम है। बट जोक्स अपार्ट, आई बिलीव दैट द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। हमारे देश का, भारत का एक गोल्डन स्वर्णिम युग चल रहा है। Borderland must participate in this. I myself, मैं जब social impact for profit startups करता हूँ तो उसमें मेरी एक edtech company है iScholar, और iScholar में आज हम 200 से ज़्यादा locations में already हैं। बच्चों को IIT, JEE, NEET के traditional courses, UPSC, law, इन सब की high level की training हम देते हैं। So for example, आज आनंद कुमार है जिनके नाम पे Super 30 बनी है film, शेट्टी, रियली गुड टीचर्स, ये हमारे साथ में एसोसिएट करते हैं, एंड वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू क्रिएट गुड लर्निंग, हाई क्वालिटी लर्निंग एट चीपर प्राइसेस, इवन इन द मोस्ट रिमोट एरियाज, हेल्पिंग ट्राइबल किड्स, हेल्पिंग SC ST किड्स। उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जब एग्जाम्स आते हैं, नीट के एग्जाम्स आते हैं, IIT JEE के एग्जाम्स आते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ही कम रहता है, कोटा तो ठीक है लेकिन जब ट्राई ही नहीं करेंगे बच्चे, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। लोगों को डर भी लगता है कि हम बच्चों को कहाँ भेजेंगे, दिल्ली, वहाँ पढ़ेंगे, कुछ हो जाएगा तो बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, कोटा फैक्ट्री जाके, यू आर ऑल इन अ मशीन टू लर्न। तो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू बी डिसरप्टिव, टू ब्रिंग द बेस्ट टीचर्स थ्रू यू डिजिटली ऑन अ टू वे इंटरैक्टिव प्रोग्राम। इनफैक्ट समथिंग वेरी एक्साइटिंग दैट वी हैव डन, लॉट ऑफ VCs आर सिटिंग हियर ऑन दिस पोडियम, आई मस्ट टेल देम दैट MIT, which is one of the world's best technical universities, collaborates with us on a program for entrepreneurship, जहाँ हम 8वीं के बच्चों से लेके 12वीं के बच्चों तक entrepreneurship के modules MIT से certified program में teach कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ job लेने वाले बच्चे नहीं हों, but job create करने वाले बच्चे हों। That needs to be the economy of the future. I think knowledge should be able to empower, an ecosystem should be able to support. Right now, I think this is a golden age for India and a golden age for Bharat. I welcome all you kids, all the youth of Borderland to come forward and be a stakeholder in this golden future of Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.